हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बूंदी का, जो क्या बोलते हैं मीठे में, नुक्ती। तो वही बनाऊंगी। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेना है और उसमें एक गिलास के जितना पानी हम रखेंगे और एक या दो कटोरी चीनी ऐड करेंगे। और चीनी को तब तक हम गलाएंगे जब तक कि इसमें तार ना निकलने लगे, ऐसे हाथों में ले करके। फिर हम ऐसे दोनों हाथों को चिपका के ऐसे देखेंगे तो इसमें तार छोड़ेगा, तभी समझिए कि आपका ये जो है अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें बूंदी डाल करके एक या दो मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। तो ये देखिए बूंदी बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए। तो बहुत ही इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी आलू और बीन्स की सब्जी। ये देखिए, ये मैंने कट करके भून के रख दिया है। और बनाऊंगी चावल और रोटी। इसके चावल मैंने चढ़ा दिया है। मैंने देखिए प्याज और हरी मिर्च, पहले मैं सब्जी लगा दूंगी फ्रिज में, फिर उसके बाद में सब्जी छौंकूंगी। तो चलिए पहले फ्रिज में सब्जी लगा लेते हैं। ये देखिए भिंडी और बैंगन, और ये खीरा है, और सब्जिया जिसे मैंने धुल के रख दिया था सूखने के लिए, और मैं इसे फ्रिज में लगा दूंगी। देखिए मेरे हस्बैंड हरी मिर्च और नींबू लाए हैं, उनका मुझे अचार बनाना है। तो इन्हें आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो हम किचन में आ चुके हैं और कढ़ाई भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई को थोड़ा सा हीट करके फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा हीट करेंगे, फिर मैं इसमें डालूंगी मेथी के कुछ दाने, और मैंने प्याज और हरी मिर्च कट करके रख लिया है। तो सिंपली मैं सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें मैं बेसिक मसाले, वही धनिया, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, यही सब मसाले ऐड करूँगी। और अगर चाहें तो आप बीन्स को पहले फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। उस तरीके से भी बनाती हूँ, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो पहले इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।
तो मसाला हमारी भून चुकी थी, इसमें मैंने आलू और बीन्स भी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक ढक के पकाऊंगी। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टमाटर इसमें सब्जी में नहीं पसंद है, इसलिए मैं टमाटर नहीं ऐड करूंगी। तो ऐसे ही सूखी सब्जी बनाऊंगी, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसमें पानी भी नहीं ऐड करूंगी, ऐसे ही ढक ढक के बनाऊंगी, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सब्जी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक मिनट के लिए ऐसे ही ढक दूंगी, और मैं थोड़ा सा कपड़े ऊपर डालूंगी, सुबह मैंने नहीं डाले थे, तो चलिए कपड़े भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। सुबह ही मैंने मशीन में लगा दिए थे, लाइट आती जाती रहती थी, इसलिए मशीन में फंस चुका था। शाम को मैंने डाल देती हूँ, सूख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल से नहीं चिंता रहती हूँ। तो सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, चावल भी रेडी हो चुकी है, अब मुझे केवल रोटी बनाना है। बस सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ, तो फ्रेंड्स कहना चाहिए इसलिए मैंने कह दिया। अभी मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, मुझे देख रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, तो मैं बाद में आप लोगों से मिलूंगी।